इसलिए, क्या है दोस्तों? इसलिए, ठीक है। जब भी कभी भी वाक्य में सबसे पहले एसओ आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि इसकी मीनिंग होती है इसलिए। उसके बाद जो भी सेंटेंस आप कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं। समटाइम वह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के तरीके में होगा, रूल्स में होगा, और समटाइम क्या होगा कि वह सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड की तरह होगा। हम सभी जानते हैं इसके पहले कई बार हम लोगों ने सेंटेंसेस की बात की हैं, ऑलरेडी हम लोग कई सारे वीडियोस में अपने पढ़ भी चुके हैं कि किस तरह हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो आपके सेंटेंसेस मिलते हैं, पार्ट्स मिलते हैं, उसको बिल्कुल भी ध्यान में रखें और आसानी से कर सकते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे वाक्यों को इसी की सहायता से कि हम क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं खाना पका रही हूँ, इसलिए वे सभी गाना गा रहे हैं, इस तरह की वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने रूल लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, दैट्स वाई इसमें हेल्पिंग वर्ब भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम रूल जानते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ सीख लिया है दोस्तों कि यस ओ लिखना है। फिर हम अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दोस्तों ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम एस वी ओ का रूल लेकर के चलते हैं, लेकिन जब कभी भी हमारे जो है कि फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट के किसी भी पार्ट आ जाते, कोई भी पार्ट आ जाएंगे, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब ज़रूर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है कि सब्जेक्ट आ जाएगा, चूँकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है दोस्तों, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है। और वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, एन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड की हम बात करेंगे, और फुल स्टॉप है। तो दोस्तों हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको ट्रांसलेट करना। हमारे ऑपरेटर जो है कि लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि सबसे पहले कौन जवाब देता है, ठीक है। तो दोस्तों जवाब देते रहिए और ट्रांसलेशन करते रहिए। सो सबसे पहले लिखना है हमें, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट दोस्तों क्या है? आए। और ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमें कॉमा लिखना है, ठीक है। पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, अगर हम पंक्चुएशन नहीं फॉलो करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस राइटिंग टास्क में, मतलब राइटिंग स्किल जो हमारी होती है, कहीं ना कहीं फॉल्टी होती है, ठीक है। सो फिर आए, देन आफ्टर आए के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? एम। देन आफ्टर हम यूज़ करते हैं वर्ब में आईएनजी। अब देखिए यहाँ वर्ब क्या है? जाना है, तो हम गो के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, गोइंग कहेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई अदर वर्ड नहीं, इसलिए हमने फुल स्टॉप कर दिया। ऐसे ही कहा किसी ने कि इसीलिए वह सो गई। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी रूल के आधार पर हम अगर लेकर के आते हैं यहाँ पर एस वी ओ को, तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें यस ओ लिखना है, सो। सो जब सबसे पहले आया तो उसकी हिंदी हमेशा हम इसलिए देखते हैं दोस्तों। साथ ही जो है कि यहाँ पर हम एस वी ओ में एस वी सेकेंड फॉर्म, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड की बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले सो, फिर सब्जेक्ट हमें लगाना है शी, वर्ब का सेकंड फॉर्म है स्लीप स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड। फिर देखिए यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल किया। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। ऐसे कई हम लगातार आपको दे रहे हैं और लगातार आप सीख रहे हैं। पहला यूज़ आज हमने सीखा, फर्स्ट यूज़ ऑफ सो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ चुके होंगे और आगे भी आएंगे। तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से लगातार जवाब दें कि कितने सेंटेंसेस आपने बनाने सीखे हैं। हमारा हर वीडियो आपके लिए पोटेंशियल है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों को बताएं कि हम किस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में आपको स्पोकन इंग्लिश करना सिखा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।